स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साथ ही सभी पार्टियां भी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां करती नजर आ रही हैं। इसी बीच सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले अपनी टीम बना रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश में अपनी टीम को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी टीम की घोषणा कर दी है। नड्डा ने शनिवार 29 जुलाई को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की। इसमें मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वही कोषाध्यक्ष रहे सुधीर गुप्ता को जिम्मेदारी मुक्त कर दिया गया है। वही CM शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे संगठन के प्रमुख नेता अरविंद मेनन को दिल्ली कोर्ट से राष्ट्रीय बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कायम रखा गया है। बता दें कि विजयवर्गीय लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। वहीं डिंडोरी जिले से पूर्व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे भी सचिव पद पर बने हुए हैं, लेकिन मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को जरूर सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। विदिशा के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल सौदान सिंह संघ के करीबी हैं और एक दशक पहले राजनाथ सिंह अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान सौदान सिंह ने किसी कारणवश इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाया था और जिसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वापस कायम रखी। इतना ही नहीं, 20 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभार भी अपने हाथों संभाला, साथ ही पिछले साल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रभारी भी बनाया गया था। भले ही पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन सरकार गिरने के बावजूद भी सौदान सिंह का प्रभाव वहां कायम रहा और यही वजह है कि उन्हें अब भी उपाध्यक्ष के पद पर कायम रखा गया है। वही बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और यही वजह है कि तब से लेकर आज तक उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम का हिस्सा माना जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। भले ही भाजपा बंगाल में सरकार नहीं बना सकी, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर जरूर उन्होंने लोगों को चौंकाया। इसके बाद कयास लगा जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजयवर्गीय को चुनावी मैनेजमेंट का माहिर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में उनकी गहरी पकड़ भी है, जहां पार्टी का पूरा फोकस बना हुआ है। वहीं बात करें डिंडौरी जिले से पूर्व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे की, तो उन्हें इस बार भी सचिव पद पर रखा गया है। धुर्वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। 2013 से 2018 तक विधायक रहे और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे हैं। इसे देखते हुए उन्हें पद पर कायम रखा गया। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की वजह विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के BJP ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।